दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त जब हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं तो दो घटनाएं हो चुकी हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं विभिन्न राज्यों के, उनके साथ उन्होंने वार्ता की है और ये सिलसिला चल रहा था। पहले भी उन्होंने एक बार बात की थी, हालांकि लॉकडाउन का जब ऐलान हुआ था तब कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी जिसकी आलोचना भी हुई, और उसके बाद एक अच्छी बात है कि मुख्यमंत्रियों से अब बातचीत शुरू हो गई है। तो मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन जो एक संक्षेप में जो खबरें आई हैं कि ज्यादातर मुख्यमंत्री कमोबेश देश भर में एक कंसेंसस है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए। इसमें दो राज्य उड़ीसा और पंजाब, वो तो पहले ही बढ़ा चुके हैं। 30 अप्रैल उड़ीसा कर चुका है लॉकडाउन को और 1 मई तक पंजाब कर चुका है। ज्यादातर राज्य बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक कंसेंसस है। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन का ऐलान जल्दी ही हो जाएगा कि वो कब तक आगे और बढ़ाया जाता है। एक तो यह है। दूसरी बात जो बताना चाहता हूं, जो आंकड़ा है जो आप सबके पास अखबारों के जरिए पहुंच जाता है, टेलीविजन के जरिए पहुंच जाता है, लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 7000 से ऊपर कुछ संख्या जा रही है संक्रमित जो कोविड-19 से लोग हैं अपने देश में, और मौतों की जो संख्या है कुल मिलाकर जो मृत्यु हुई है अब तक इससे वो 247 है। तो ये संख्या अभी बढ़ने का की आशंका हर क्षेत्र में जताई जा रही है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो या जो सियासी जो हलके हैं, खासकर जो नौकरशाही है जो इस तरह के मसलों को देख रही है उसका भी यही अनुमान है। राज्यों से भी जो खबरें आ रही हैं उसमें भी इसी तरह की बात कही जा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों को जरूर सोचना चाहिए, और इस पर मैं आपका आज ध्यान खींचना चाहता हूं, जिस पर आमतौर पर मीडिया उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जो कुछ संस्थाएं हैं इस वक्त कुछ अच्छा काम करती नजर आ रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये संयोग है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने कई बार अच्छे काम किए हैं, उसके काम की आलोचना भी होती रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त यूनाइटेड नेशन की, चाहे वो WHO हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, चाहे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूनिसेफ हो, इस समय जो संक्रमण की स्थिति पूरी दुनिया में है और इस कोविड-19 के संक्रमण से जो दुनिया एक बड़ी चुनौती झेल रही है उसके मुतल्लिक इनका जो इंटरवेंशन है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े मुल्क हैं जो अपने आप को दुनिया का एक तरह से समझते थे कि दुनिया में वही सब कुछ है, उनकी जो कारगुजारियां हैं वो सबके सामने आ रही हैं कि किस तरह कभी अमेरिका कनाडा को धमकाता है, कभी किसी और देश को धमकाता है, वगैरह वगैरह। ये सब जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था वो मैं समझता हूं कि अगर उस रोशनी में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन जो दुनिया भर के जिम्मेदार देशों की संस्था है उसकी ओर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हमारे लिए चिंता का सबब है और एक समझदारी के लिए रास्ता भी बनाती है। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। अभी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट आई है दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन के लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुतल्लिक भारत में कोविड-19 और लॉकडाउन वगैरह के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसमें उनका कहना है कि 40 करोड़ लोग जो है बेहाल हो सकते हैं, यानी गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं, यानी भारत में बड़ी आबादी को जो तमाम तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम्स के जरिए इतने वर्षों में, कई दशकों में जो ऊपर उठाया गया था और वाकई हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद घट गई थी, वो केवल बड़ी बीमारियां जब आती थी किसी घर में तभी जो लोग ऊपर उठे हुए थे अचानक फिर वो गरीब हो जाते थे, लेकिन ये जो जानलेवा संक्रमण है, जो आतंककारी है, जो भयावह है, इसकी वजह से और लॉकडाउन की वजह से, इंडस्ट्रीज के ठप होने की वजह से, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर जिसको हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र, उससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होने जा रही है, हो चुकी है। और UN की जो रिपोर्ट कहती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कि 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आएंगे, 139 करोड़ लोगों के इस मुल्क में अगर 40 करोड़ लोग अचानक गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं तो आप कल्पना कीजिए हमारे मुल्क का क्या हाल होगा। दोस्तों ये एक
बड़ा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है जिस पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी सरकार और जितने मुख्यमंत्री हैं सबको गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि इसके यही एक फोरम है जो इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके जनता के हक में कोई फैसला कर सकता है। इसलिए मैं आज ये सवाल आपके बीच छोड़े जाता हूं, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कही है कि कुल मिलाकर दुनिया में जो 2 बिलियन लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, ये खासकर इसमें सबसे अधिक अगर प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो भारत, नाइजीरिया और ब्राजील के लोग हैं। ये 3 देशों का नाम यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने खास तौर पे लिया है। इसलिए और देखिए, ये केवल ये नहीं कि एक वैश्विक संस्था ने ये बात कही है, हमारे यहाँ भी CMIE जो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसने हमेशा रोजगार और बेरोजगारी के बारे में बहुत ऑथेंटिक डेटा दिए हैं, उसने भी अभी कहा है कि भारत में बेरोजगारी जो है 23% उछल रही है 23% के हिसाब से। तो बेरोजगारी की जो दर उछलने की है वो बहुत ही भयानक है। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों, जो अभी हाल में मार्च के शुरू में ये 8.7% थी, तो 23% उछलना ये कोई साधारण परिघटना नहीं है। तो असल में कहानी क्या उभरती है, असल में कहानी ये उभरती है कि इस वक्त हमारे देश को, हमारे देश की हुकूमत को, स्टेट्स को जीविका और जीवन दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल करना होगा, एक बेहतर संयोजन करना होगा कि कैसे जीवन की रक्षा भी हो और जीविका की भी रक्षा हो, कैसे हम लोगों को भी बचाएं और कैसे लोगों को भूख से मरने से भी हम बचाएं। ये दोनों चुनौतियों का सामना अगर नहीं किया जाता है तो हालात कितने खराब होंगे उसका हमने मात्र कुछ झलक देखी है। दिल्ली में जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर, जिनको कि केरल के मुख्यमंत्री गेस्ट लेबर कहते हैं, गेस्ट वर्कर्स कहते हैं, तो वो जो हमारे मित्र मजदूर हैं, मैं समझता हूं कि जिस तरह का उनका एक बहुत विशाल हुजूम आपको दिल्ली और आसपास की सड़कों पर, NCR की सड़कों पर दिखा था कुछ दिन पहले, बहुत ही भयावह स्थिति, लोग 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पैदल चलकर गए और कई लोग लौट आए, कई लोग बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का हुजूम अभी पिछले दिनों सूरत में, गुजरात के सूरत में रात को सड़कों पर आ गया, और कुछ ही घंटे पहले की ये कहानी है, और रात को वो सड़कों पर आ गया। जाहिर है लॉकडाउन को तोड़े जाने या लॉकडाउन के वायलेशन के इस पहलू को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, गलत है ये, लेकिन आप उनकी स्थिति देखिए, वो अपनी सैलरी की मांग कर रहे थे, रोटी की मांग कर रहे थे और अपने इलाके में लौटने की मांग कर रहे थे कि उसका इंतजाम किया जाए। इसलिए मैं दोस्तों मानता हूं कि इस वक्त अपनी हुकूमतों को संवेदनशील होने की जरूरत है। इस वक्त जिंदगी बचाना भी है, COVID-19 के संक्रमण से भी देश को बचाना है और लोगों की जीविका भी बचानी है, क्योंकि अगर हम बीमारी से, संक्रमण से बचा रहे हैं बहुत अच्छी बात, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को भूख के हवाले कर देते हैं, अगर मजबूरन लोग मरते हैं भूख से, तबाही से, तो वो भी एक भयानक स्थिति होगी। एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ बीमारी है, दोनों से लड़ना होगा। कैसे लड़ना होगा ये हुकूमतें तय करें जिन्हें इस देश में जनता चुनती है, इस भरोसे के साथ कि वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे हित में काम करेंगे और हमारा संरक्षण करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।